बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। अच्छा, अब देखें सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होता है, हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बारे में लिखा है कि वी नेम सम पर्सन और थिंग, कि हम किसी चीज़ का नाम या किसी शख्स का नाम लेते हैं किसी जुमले के अंदर, वो सब्जेक्ट होता है। और दूसरा प्रीडिकेट जो है उसके बारे में लिखा है कि से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, उस शख्स या उस चीज़ के बारे में हम खबर देते हैं, ठीक है, तफसील बताते हैं, वो प्रीडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट यूँ समझ लें कि सब्जेक्ट आम तौर पर मुब्तदा होता है और प्रीडिकेट खबर होती है, ठीक है जी। अब आगे लिखा है कि इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रीडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि जुमले में दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक चीज़ जिसके बारे में बात की जाती है और दूसरी चीज़ है कि कोई बात या कोई खबर, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो जुमला बन जाता है, ठीक है जी। यानी कि सेंटेंस इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, कोई जुमला सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बगैर नहीं बन सकता, जुमले के लिए दोनों चीज़ें शर्त हैं। तो इसकी तारीफ क्या लिखी है कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि वो शख्स या वो चीज़ जिसके बारे में हम जुमले में बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रीडिकेट की तारीफ लिखिए द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट दिस इज़ कॉल्ड द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस, और जुमले का वो हिस्सा जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है यानी कि फाइल के बारे में बताता है वो प्रीडिकेट कहलाता है। और एक बात आखिर में ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की तरतीब इंग्लिश के अतबार से सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट होगी, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर प्रीडिकेट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले प्रीडिकेट आए फिर बाद में सब्जेक्ट आए, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि बाज़ जगह यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जुमला उलट होता है, यानी कि पहले प्रीडिकेट आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन ये आम तौर पर नहीं आता, हम आम तौर पर इससे नहीं लिखते। हेयर कम्स द बस, ये इसकी मिसाल है, हेयर कम्स द बस, बात हो रही है बस की लेकिन बस आखिर में, ठीक है। और कम ये आना ये खबर है कि गाड़ी आई गाड़ी आती है, ठीक है जी, यहाँ गाड़ी आ गई या यहाँ गाड़ी आती है, तो ये शुरू में आ रहा है, होना ये चाहिए था कि ये जुमला यूँ बने कि द बस कम्स, ठीक है, कि गाड़ी आती है, लेकिन इस जुमले को उल्टा बनाया गया है। तो ये कभी कभी होता है, यूँ समझ लें कि 100% में से 1% इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हम आमतौर पर सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट जो इंग्लिश का फार्मूला है या स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ही लिखेंगे। और आखिर में कह रहे हैं कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जुमले में सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट जो है वो यूँ समझ लें कि कॉमन होता है, यानी कि हमें ख़ुद मालूम होना चाहिए, जैसे कि सिट डाउन, बैठ जाइए, ये हुक्मिया जुमला है, तो इसमें सब्जेक्ट सामने वाला होता है, सामे या मुखातब जो है, ठीक है। सिट डाउन यानी कि यू सिट डाउन, ये असल जुमला है, इसे हम लिखते हैं सिट डाउन करके, ठीक है जी। थैंक हिम, उनका शुक्रिया अदा करें, यू थैंक हिम, आप उनका शुक्रिया अदा करें, तो इसमें यू जो है ये समझ लें कि कॉमन है, ये छुपा हुआ है। ये आज का सबक है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, तो वही सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो चीज़ सब्जेक्ट होती है, जिसे हम फाइल भी कहते हैं, और जुमले में जो खबर होती है जो तफसील होती है सब्जेक्ट के बारे में उससे हम प्रीडिकेट कहते हैं,